YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच बेहतरीन शेयर जिसमें आपको हर गिरावट में निवेश करना चाहिए। देखिए अभी मार्केट जो ऑल टाइम हाई में है, अभी थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट जो अवॉइड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट टाइम होता है जब मार्केट हमें गिरावट में मिलता है। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा सा यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हैं। जब भी गिरावट मिले इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही बता दें कभी भी आपको कर्ज लेकर के किसी से उधार लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो है गरबारे टेक्निकल फाइबर, काफी बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट के मात्र 7212 करोड़ का है, मतलब एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है। और कंपनी करती क्या है, इंडिया की लीडिंग प्लेयर है, टेक्निकल टेक्सटाइल बनाती है और साथ ही साथ ये वर्ल्ड वाइड मतलब इसे सेल करती है। कंपनी जो है 1976 से ही कंपनी अपने बिजनेस में है और मल्टी डिविजन है, मल्टी ज्योग्राफिकल टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनी है। इस तरह से देखते हैं, मतलब ये कंपनी जो मुख्य रूप से जैसे फिशिंग नेट हो गया, फिश में जो रॉप का यूज करते हैं वो हो गया, स्पोर्ट में जो हम नेट का यूज करते हैं, स्पोर्ट में जो रॉक का यूज करते हैं, एक्वाकल्चर में जो कैच का यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में जो नेटिंग यूज करते हैं, किस तरह से कंपनी का कुछ बिजनेस है। 60% रेवेन्यू जो फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आता है। अब यहाँ पर बात करें डिविडेंड यील्ड का, 0.07% डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटीज है 20% से भी ज्यादा है। वहीं बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का 52.6% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.13 है, तो काफी कम डेट टू इक्विटी है। मात्र 102 करोड़ का डेट है जबकि 790 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें 173 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी सॉलिड है। और बात करें वही टेक्निकल चार्ट पर, तो देखिए चार्ट पे ये स्टॉक्स यहाँ पर अभी जो है जो सपोर्ट रीजन है वो है इसका 3000। अगर 3000 के नीचे जाता है तो इसमें एक बड़ा करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। वही बात करें इसके रेसिस्टेंस का, तो इसका जो रेसिस्टेंस रीजन है वो है 3595 से लेकर के 3645। तो ये इसका रेसिस्टेंस रीजन है और नीचे इसका जो 3000 है वो सपोर्ट रीजन है। 3000 के नीचे जैसे ये क्लोजिंग देता है आपको इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहां से कोई बड़ी गिरावट दिखाए ये स्टॉक्स। लेकिन आपको बता दें कि जो भी हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स नीचे आ सकता है, फिर वहां से ये 10 गुना 100 गुना भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटली सॉलिड शेयर्स है। तो जैसे गिरावट में आता है तो आपको बाय करना है, मतलब गिरावट में, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। आपका जितना भी टाइम होराइजन हो, 5 इयर्स 10 इयर्स 20 इयर्स, उसके अनुसार आप उसको होल्ड कर सकते हैं, काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक्स है वो है पॉलीकैब इंडिया, काफी बेहतरीन स्टॉक्स। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है केबल्स का, वायर्स का, एलाइड प्रोडक्ट का जैसे UPVC। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कंपनी जो इसके साथ साथ फैन बनाती है, स्विच बनाती है, स्विच गियर बनाती है, LED लाइट बनाती है, ल्यूमिनेटर बनाती है, सोलर इन्वर्टर बनाती है, पंप्स बनाती है, और 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी का 7 लोकेशन पर। यह कंपनी काफी बेहतरीन है और मार्केट कैप बात करें 37,000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। देखिए इसमें हम लार्ज कैप, स्मॉल कैप, हर तरह की कंपनी, मिड कैप को भी लिए हैं। डिविडेंड यील्ड 0.4% का है, तो काफी डिविडेंड यील्ड भी शानदार है। ऐसे उतना शानदार नहीं जितना हमें इंफोसिस, विप्रो, इन सब स्टॉक्स में, TCS में देखने मिलता है, लेकिन ये इसका भी डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है। यहाँ पर देखिए जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी 20% से ज्यादा है। प्रमोटर्स होल्डिंग 68.4% है, ये भी काफी, कोई शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.05, काफी कम है, मतलब निग्लिजिबल डेट है, मात्र 249 करोड़ का डेट, जबकि 4600 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। नेट प्रॉफिट 838 करोड़ का है, तो काफी बेहतरीन कंपनी का नेट प्रॉफिट भी है। और बात करें वही कंपनी के टेक्निकल चार्ट का, था देखिए चार्ट पे ये स्टॉक्स यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया था वहां पे भी मैंने बताया था इस स्टॉक्स को। देखिए जो भी स्टॉक्स है मैं उसे लगातार कवर करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं निश्चित रूप से आपको यहाँ पर कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें, अभी जो इसका रिसेंट सपोर्ट है वो है 2300 के नीचे जब इसे यह स्टॉक्स क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए।
और जो भी हम सपोर्ट रीजन बताते हैं वो पहले आपको मैंने बताया कि ये शॉर्ट टर्म बेसिस है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स नीचे आएगा और फिर ऊपर 10 गुना 20 गुना 100 टाइम्स भी जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटली सॉलिड शेयर है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, बिना टाइम को आपको ऐसा रिटर्न, मैजिकल रिटर्न नहीं मिलेगा। अभी हम बात करें रेसिस्टेंस का, तो 2631 का यहाँ पर रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है तो हमें निश्चित रूप से एक जबरदस्त यहाँ पर 3000 के आसपास का टारगेट देखने मिलेगा। उसके बाद जो अगला स्टॉक्स है वो है दीपक नाइटेड, तीसरा स्टॉक्स इस वीडियो का, तीसरा स्टॉक दीपक नाइटेड। जो ये कंपनी है फूड मेजर सेगमेंट में काम करती है, ये पहले भी मैंने कुछ एक दो दिन पहले भी कवर किया था, बेसिक केमिकल में है, फाइन और स्पेशलिटी केमिकल में है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में है, साथ ही साथ फिनॉल एसीटोन भी बनाती है। 60% मार्केट शेयर है, ग्लोबल मार्केट शेयर है DSDA में, 80% मार्केट शेयर है सोडियम नाइट्रेट में, 75% मार्केट शेयर है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट में। तो देखते हैं इस तरह से जो कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट को लीड करता है, तब जाकर के वह यहाँ पर चार्ट पे आपको ये सारे स्टॉक्स इतने सॉलिड दिखाई देते हैं। अगर बात करें यहाँ पर मार्केट के बाद 39,000 करोड़ का है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है, डिविडेंड 0.16% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 39% से भी ज्यादा, ये भी काफी जबरदस्त, प्रमोटर्स होल्डिंग 45.7%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.25 है और मात्र 590 करोड़ का यहाँ पर डेट है कंपनी पर, जबकि रिजर्व 2390 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 979 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो देख सकते हैं हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है। वहीं चार्ट पे बात करें, अगर बात करें टेक्निकल चार्ट पर, तो ये स्टॉक्स टेक्निकल चार्ट पे काफी ज्यादा बुलिश है, देख सकते हैं काफी ज्यादा बुलिश जिसको कहते हैं, तो ये इस मतलब कंपनी का मतलब इस स्टॉक का जो चार्ट है वो तो काफी स्ट्रॉन्ग है। देख सकते हैं ये पहले ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन से भी ये स्टॉक्स ऊपर यहाँ पर सपोर्ट रीजन अपना बनाया, तो अगर इस स्टॉक के हम सपोर्ट की बात करें तो वह है 2330 रुपीज। अगर 2330 के नीचे ये स्टॉक कभी आ जाता है तो इसको हम मतलब जबरदस्त वीकनेस में मानेंगे इस स्टॉक को, लेकिन ऐसा आपको कभी भी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली काफी सॉलिड है, तो ऐसे फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। और यहाँ पर ये अपना रिसेंट जो रेसिस्टेंस बना रहा है वो है 2945 रुपीज, ऐसे भी 3000 जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जब तक ये स्टॉक्स 3000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता है तब तक आपको इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेने चाहिए, और कभी भी गिरावट में आप एंट्री ले सकते हैं। कोई जब भी ये स्टॉक्स जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ, जब भी गिरावट मिले, जितना गिरावट पे मतलब नीचे बाय करेंगे उतना अच्छा क्वांटिटी आपको मिलेगा और उतना बेहतरीन रिटर्न मिलेगा आपको इस उस स्टॉक में। उसके बाद जो पांचवा स्टॉक्स है, देखिए चार स्टॉक्स मैंने बताया, पहला गरवारे टेक्निकल फाइबर, दूसरा पॉलीकेयर, तीसरा दीपक नाइटेड और चौथा स्टॉक्स जो बच गया उसके बारे में, ये चौथा स्टॉक्स है। फिर हम पांचवें स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, तो ये चौथा स्टॉक है कोफोर्ज, काफी बेहतरीन स्टॉक। ये कंपनी एक आईटी सर्विस कंपनी है और देखिए इंडिया की टॉप 20 कंपनी है आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर में, मतलब एक्सपोर्ट करने में टॉप 20 में ये कंपनी आती है। साथ ही साथ कंपनी का जो कई सारे मतलब सब्सिडियरी कंपनी है, जैसे यूएस में है, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, थाईलैंड, तो देख सकते हैं कितना डाइवर्सिफाइड है, मतलब ज्योग्राफिकल वाइज कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। वही मार्केट कैप की बात है, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, डिविडेंड 0.23% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% उसके आसपास है, तो काफी बेहतरीन है। अब वहीं बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग 55.7% है, जो कि काफी बेहतरीन है, प्लेस परसेंटेज 0 है, डेट इक्विटी बिल्कुल 0 है, मतलब कोई कंपनी के ऊपर डेट है ही नहीं, 1 करोड़ का डेट कुछ नहीं है, क्योंकि रिजर्व तो 2400 करोड़ का है, तो ये कंपनी के बिल्कुल डेट फ्री कंपनी, और नेट प्रॉफिट 499 करोड़ का। तो देख सकते हैं हर पैरामीटर्स में कंपनी काफी सॉलिड दिख रही है। वही बात करें टेक्निकल चार्ट पे, तो चार्ट पे तो ये स्टॉक्स काफी जबरदस्त है, देख सकते हैं यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो स्टॉक जो ट्रेंड लाइन अपना बना रहा है उस ट्रेंड लाइन से भी ऊपर चलता है, तो यहाँ पर इस स्टॉक का कहना ही क्या है, इस स्टॉक में तो कभी वीकनेस देखना ही मिलता ही नहीं, कभी कभी मिलता है, तो जब गिरावट में मिलता है तो इसको बाय करना है, ऐसे बेहतरीन स्टॉक गिरावट में मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए आपको, अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। अगर हम इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर इसका जो 5000 है वो सपोर्ट होगा, 5000 के नीचे जब स्टॉक ट्रेड करने लगे तो समझिए इसमें वीकनेस है, अदरवाइज ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। और बात करें रेसिस्टेंस का, तो 5845 रुपीज ये इसका रेसिस्टेंस है, तो जब तक रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर जाता तो हम इसमें स्ट्रॉन्ग रूप से बुलिश नहीं हो सकते हैं।
स्ट्रॉन्ग रूप से बुलिश कब होंगे, जब ये 5845 के ऊपर निकल जाता है। और जो पांचवा स्टॉक है इस वीडियो का, जो लास्ट स्टॉक है, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस का, इस कंपनी का भी बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है। देखिए, होम एप्लीकेशन में है कंपनी, लाइटिंग सेक्टर में है, और कंपनी जो मोबाइल फोन्स स्मार्टफोन्स बनाने में है, सीसीटीवी डीवीआरएस में है, मेडिकल इक्विपमेंट में है। इस तरह से कंपनी का जो बिजनेस है काफी डाइवर्सिफाइड है। मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है, डिविडेंड यील्ड 0.02% का है, तो डिविडेंड यील्ड काफी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से भी ज्यादा है, पर प्रमोटर्स होल्डिंग 35% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.21 का है, मतलब मात्र कंपनी के ऊपर 156 करोड़ का डेट है, जबकि रिजर्व 726 करोड़ का रिजर्व है। नेट प्रॉफिट 176 करोड़ का है, तो देख सकते हैं हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी सॉलिड दिख रही है। अब बात करें यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, तो कंपनी जो स्टॉक प्राइस है उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें, तो ये हम इसका सपोर्ट रीजन है जो कि है 4700 के नीचे जब ये स्टॉक्स क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपको इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए, फिर स्टॉक्स में आपको बने नहीं रहना चाहिए। और वही बात करें इसके रेसिस्टेंस का, तो अभी तो स्टॉक्स में गजब का यहाँ तेजी देखने मिला है। अगर ये 5000 के ऊपर सस्टेन रह जाता है तो समझिए ये तेजी बना रहेगा, अगर 5000 के नीचे स्टॉक्स आ गया तो फिर ये तेजी कंटिन्यू नहीं हो सकता है, तो फिर ये अपना कहीं पर रेसिस्टेंस बना सकता है। तो अभी फिलहाल कोई रेसिस्टेंस रीजन इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब यहाँ पर रिजेक्शन देखने मिला जो कि है 5350 रुपीज, इसके आसपास के मतलब प्राइस लेवल से इसमें रिजेक्शन थोड़ा सा देखने मिला। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।